सीए रोहित ग्रोवर, अ फैकल्टी फॉर ऑडिटिंग लॉ एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन एट सीए इंटर लेवल एंड फैकल्टी ऑफ सीए फाइनल ऑडिटिंग एट द सीए फाइनल लेवल. सो वेलकम टू माय चैनल अगेन. सो टुडेज टॉपिक अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंपनी ऑडिट. ठीक है. सो इन द कंपनी ऑडिट एज यू ऑल नो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज सेक्शंस. We have already covered section number 139 plus we have already covered section number 139.2 plus we have already covered section number 139.8. We have already covered section number 140 complete, subsection 1, subsection 2, subsection 3, subsection 4, subsection 5, plus we have already covered section number 144 in our previous videos. So if you have not watched these sections, so I will recommend you that please have a look at all these sections from section number 139 to section number 140 plus section number 144. ठीक है. अंडर दैट सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 5 6 7 ऑल द सब सेक्शंस ऑफ 140 एंड ऑल द सब सेक्शंस ऑफ 139 हैव आल्सो बीन कंक्लूडेड इन आवर प्रीवियस वीडियोस. सो इफ यू हैव नॉट सीन दैट यू कैन यू नो रेफर टू द प्रीवियस वीडियोस एंड द सेम चैनल ओनली. द चैनल नेम इज ग्रोवर ऑडिट एंड लॉ CA classes, so that you will find it on our YouTube. And if you really like my videos, so please hit the like button, hit the subscribe button, and share the videos for the benefit of the needy students, for the benefit of your friends who are, you know, stuck in these particular sections of company audit. So again, today I welcome you all to my YouTube channel, Grover Audit and Law CA classes. So I'm your friend CA Rohit Grover. I qualified my CA in 2013 and I'm a faculty for audit and law for you. So today's topic will be company audit. In the company audit, now today's section, what we are going to understand is highly, you know, complicated section as per the student's opinion, right or not? बहुत सारे लोग घबराते हैं ये सेक्शन से. तो सेक्शन का नाम क्या है सर? सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 141. दैट इज कॉल्ड एलिजिबिलिटी. दैट इज कॉल्ड एलिजिबिलिटी. ठीक है. इट इज़ नोन एज एलिजिबिलिटी. इट इज़ नोन एज क्वालिफिकेशन. इट इज़ नोन एज डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर. आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स फील वेरी यू नो स्केर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट वेरी सिंप्लीफाइड फॉर यू एंड आई विल मेक श्योर दैट दिस सेक्शन शुड गो इनसाइड यू लाइक एनीथिंग. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सेक्शन. सो व्हाट इज द टुडेज टॉपिक? टुडेज टॉपिक इज सेक्शन नंबर 141. एज इट इज अ वेरी बिग सेक्शन, सो इट मे टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन. तो अपन बहुत स्मूथली जाएंगे, बहुत सिंपल वे में जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. ठीक है. तो व्हाट इज अवर सेक्शन नेम? अवर सेक्शन का नाम क्या है? सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 141. ठीक है. सेक्शन नंबर 141, इसका नाम क्या है? ऊपर लिखा हुआ है देखो, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर. कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है उसके एलिजिबिलिटी क्या है, उसके क्वालिफिकेशंस क्या है और उसके डिसक्वालिफिकेशंस क्या है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस सेक्शन, ये सेक्शन को अपन थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. दिस सेक्शन इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू थ्री पार्ट्स. सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 1, then section number 141 subsection 2, then section number 141 subsection 3. जो section number 141 subsection 1 है वो बोलता है qualifications, qualifications of what? Of auditor, qualifications of an auditor. ठीक है. section 2 भी किसके बारे में बोलता है? subsection 2 भी qualification ऑफ एन ऑडिटर. तो सर दोनों सबसेक्शन में डिफरेंस क्या है? यहां पे हम लोग बात करेंगे एज एन इंडिविजुअल ऑडिटर. व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ विच ऑडिटर? इंडिविजुअल ऑडिटर, क्वालिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर. और यहां पे अपन क्या बात करेंगे? यहां पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ अ ऑडिटर्स एज व्हाट? एज एलएलपी और एज पार्टनरशिप फर्म. ठीक है सर. तो ये दोनों क्वालिफिकेशंस अपन करेंगे. तो सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 1 किसके बारे में बोलता है? क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, बट विच ऑडिटर? इंडिविजुअल ऑडिटर. और सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 2 किसके बारे में बोलता है? क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, बट दोज ऑडिटर्स हु आर कॉन्स्टिट्यूटेड आइदर एज एलएलपी और
पार्टनरशिप फर्म। और क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 किसके बारे में बोलता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, तो अपन 5 स्टार मार्क्स डालेंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं डिसक्वालिफिकेशंस, जो हाईली कॉम्प्लेक्स्ड पार्ट है ये सबसेक्शन, सबसेक्शन 3 डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है सर, विच स्टूडेंट थिंक दैट इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक श्योर दैट दिस सेक्शन शुड गो स्मूथली इन साइड योर हेड। तो दिस इज वॉट द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ अवर सेक्शन नंबर 141 डिवाइडेड इंटू 3 सबसेक्शन, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट विद सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 करते हैं, किसके बारे में, क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है, क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है, सो इन दिस सेक्शन व्हाट इज बीइंग सेड दैट कि इफ यू आर अ कंपनी यू कैन अपॉइंट, इफ यू आर अ कंपनी यू कैन अपॉइंट आइदर अ इंडिविजुअल ऑडिटर, आइदर यू कैन अपॉइंट एन इंडिविजुअल ऑडिटर दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, और यू कैन ऑल्सो अपॉइंट ऑडिटर इन टर्म्स ऑफ फर्म्स, इन टर्म्स ऑफ फर्म्स दैट इज कॉल्ड LLP और पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो यहाँ तो आप इंडिविजुअल ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो या पार्टनरशिप फर्म और LLP को अपॉइंट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन इज सर इंडिविजुअल का मतलब क्या है, इंडिविजुअल का क्या मतलब है, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, सच इंडिविजुअल हु इज सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशन, सच इंडिविजुअल हु इज सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 क्या है, ही मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही मस्ट बी व्हाट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर CA एक्ट 1949। तो दैट इंडिविजुअल मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए एज पर CA एक्ट 1949। प्लस ही मस्ट बी होल्डिंग अ वैलिड COP, ही मस्ट बी होल्डिंग अ वैलिड COP। व्हाट डू यू मीन बाय COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो अपने को पता होना चाहिए कि वंस यू गेट क्वालिफाइड एज अ CA आपको एक मेंबरशिप अप्लाई करना पड़ता है, और अगर आपको ऑडिटर फंक्शन परफॉर्म करना है तो आपको COP भी अप्लाई करना पड़ता है। COP कौन इशू करता है, बाय ICA, तो ICA आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी इशू करती है। तो टू अपॉइंट योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल ऑडिटर इन अ पर्टिकुलर कंपनी द इंडिविजुअल मस्ट बी सेटिस्फाइंग टू कंडीशन। तो कंडीशन नंबर 1 है ही मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और कंडीशन नंबर 2 है ही मस्ट बी होल्डिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये तो मतलब हो गया अपना कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ विच ऑडिटर, द क्वालिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म। सेकंड थिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म। तो इंडिविजुअल का मतलब समझ में आया, सोल प्रोप्राइटर का, अभी अपन पार्टनरशिप का मतलब समझेंगे। तो पहले तो समझा दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, हियर द वर्ड फर्म इंक्लूड्स LLP, पार्टनरशिप फर्म। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं तो हम लोग LLP की भी बात करते हैं। तो फर्म वर्ड इंक्लूड्स द वर्ड कॉल्ड व्हाट, LLP। तो फर्म में भी देर मस्ट बी टू कंडीशंस, सो इफ यू आर अपॉइंटिंग अ पार्टनरशिप फर्म और LLP फर्म, देर आर ऑल्सो टू कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1, majority of the partners of the firm must be qualified for appointment, मतलब वो disqualified नहीं होने चाहिए। तो majority of the partners who are practicing in India, जो भी तुम्हारे पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया कर रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द फर्म शुड बी व्हाट, क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट। सेकंड थिंग इज द अपॉइंटमेंट जो है इज नॉट इन द नेम ऑफ
इंडिविजुअल, अपॉइंटमेंट इंडिविजुअल के नाम पे नहीं होगी, अपॉइंटमेंट विल नॉट बी इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल, अपॉइंटमेंट विल बी इन द नेम ऑफ व्हाट, इन द नेम ऑफ फर्म। तो जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है, जो कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर जो भेजेगी, अपॉइंटमेंट लेटर वट एवर द कंपनी इज गोइंग टू सेंड, वो इंडिविजुअल के नाम पे नहीं आएगा, वो किसके नाम पे आएगा, फर्म के नाम पे आएगा। तो जैसे मिस्टर ए इज द पार्टनर ऑफ ए बी सी एंड को, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड अपॉइंटमेंट लेटर, जो एक्स वाई जेड लिमिटेड का अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, विल इट कम इन द नेम ऑफ मिस्टर ए और विल इट कम इन द नेम ऑफ ए बी सी एंड को? इट विल नॉट कम इन द नेम ऑफ मिस्टर ए, इट विल कम इन द नेम ऑफ ए बी सी एंड को। तो आई होप आई मेड इट सिंप्लीफाइड फॉर यू। तो वट इज़ द प्रोविजन? प्रोविजन इज सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। उसके अंदर इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल इज द वन हु इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर सेटिस्फाइंग द टू कंडीशन। वट इज़ द कंडीशन नंबर 1? कंडीशन नंबर 1 क्या है कि ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज अ कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या है? ही मस्ट बी होल्डिंग अ वैलिड COP, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म? द वर्ड फर्म इंक्लूड्स व्हाट? LLP, फर्म का मतलब LLP है। और LLP और द पार्टनरशिप फर्म शुड ऑल्सो बी कंटेनिंग टू कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म हु आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया मस्ट बी व्हाट? क्वालिफाइड, दे शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड, दैट इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या है? द अपॉइंटमेंट विल कम नॉट इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल, इट विल कम इन द नेम ऑफ व्हाट? फर्म। तो अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड ABC & Co पार्टनरशिप फर्म को, इट इज़ अ पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट करती है, तो अपॉइंटमेंट लेटर विल नॉट कम इन द नेम ऑफ ए, अपॉइंटमेंट लेटर विल कम इन द नेम ऑफ ABC & Co। तो ये अपना मीनिंग हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल एंड व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, ठीक है। अभी अपन करेंगे कि व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड LLP। तो व्हाट इज अवर नेक्स्ट सेक्शन? अपना नेक्स्ट सेक्शन किसके बारे में होगा? अपना नेक्स्ट सेक्शन होगा इसके बारे में, सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 2। तो व्हाट इज सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 2? इसके बारे में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज कि क्वालिफिकेशन, दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशंस ऑफ व्हाट? क्वालिफिकेशंस ऑफ फर्म, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलरेडी टोल्ड यू द वर्ड फर्म इंक्लूड्स व्हाट? LLP। फर्म ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट? LLP। नाउ सी, इन केस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज व्हाट? ऑडिटर। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज एन ऑडिटर, हु कैन साइन, राइट? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हु कैन साइन। अब सुनना ध्यान से, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज एन ऑडिटर, who can only sign? In this case, only chartered accountants are authorized. Only chartered accountants are authorized to act and sign on behalf of the firm. Are you getting the point or not? तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस वर्ड। सो ये अपना पॉइंट था कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एज एन ऑडिटर, हु कैन साइन सर? ओनली द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑथराइज्ड टू एक्ट, ओनली द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है सर। नाउ सी, इट मीन्स व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड? पॉइंट नंबर वन यू हैव टू अंडरस्टैंड, सपोज देर इज अ फॉर्म और LLP विद नॉन मेंबर्स, विद विच मेंबर्स? नॉन मेंबर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म और LLP विद नॉन मेंबर्स? इट मीन्स सपोज देर आर टेन पार्टनर्स इन अ फॉर्म, आउट ऑफ विच 8 आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 1 इज कंपनी सेक्रेटरी एंड 1 इज व्हाट? CMA, ठीक है। तो 8 CAs है, 1 CS है और 1 CMA। फर्स्ट माई क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस फर्म क्वालिफाइड? आंसर इज येस।
इट इज क्वालिफाइड, यस इट इज क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ एज एन ऑडिटर, इट इज क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर और टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. ठीक है, तो कैन आई से दैट दिस इज ओनली सी एस फॉर्म और इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म? तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म. वाई इट इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म? क्योंकि यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, सी एस भी है और सी एम ए भी है. बट माई क्वेश्चन इज दिस फॉर्म अलाउड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर? आंसर इज वॉट? येस सर, इट इज अलाउड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. बट माई क्वेश्चन नंबर टू इज हु विल साइन? क्वेश्चन नंबर टू इज हु विल साइन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म? हु विल साइन ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म? साइनिंग कौन करेगा? देन दिस रूल विल कम. अब बताओ ये रूल क्या है, हु विल साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म? ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑथराइज टू एक्ट और साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म. इसका मतलब अमंग टेन पार्टनर्स ओनली एट हु आर वॉट, हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन एक्ट और साइन ऑन बिहाफ ऑफ वॉट फॉर्म. समझ में आया सर? तो इसका मतलब तुम्हारी मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म है जिसमें सी ए भी है, सी एस भी है और सी एम ए भी है, वो चलता, नो इशूज़ विद द मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म. उनको अपॉइंट भी कर लेंगे, लेकिन एक्ट कौन करेगा और साइन कौन करेगा? वो साइन सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही करेंगे. समझ में आया सर? सो इन दिस एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अ मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड दैट ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑथराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म. आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑर नॉट? सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही साइन करेंगे और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही एक्ट करेंगे. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म है जिसमें सी एस भी है, सी एम ए भी है, बट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही साइन करेंगे, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही एक्ट करेंगे. आई होप एवरी वन इज क्रिस्टल क्लियर विद द पॉइंट नंबर ए. ठीक है, अभी अपन पॉइंट नंबर बी करते हैं. सर व्हाट इज अ पॉइंट नंबर बी? पॉइंट नंबर बी भी बहुत ईजी है. व्हाट इज अ पॉइंट नंबर बी? अब सुनना ध्यान से. पॉइंट नंबर बी क्या है? मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग पार्टनर्स, मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग पार्टनर्स, जितने भी अपने प्रैक्टिसिंग पार्टनर्स हैं मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया ओनली, मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया ओनली. समझ में आया? तो इसका एग्जाम्पल भी बताता हूँ. देखो, सपोज देर आर 17 पार्टनर्स इन द फॉर्म. हाउ मेनी पार्टनर्स? 17 पार्टनर. ठीक है, उसमें से 17 पार्टनर्स में से 9 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, 5 सी एस हैं, ठीक है, और 3 सी एम ए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फॉर्म अलाउड है? सर अलाउड है. तो दिस फॉर्म ऑफ 17 पार्टनर्स, नेम ऑफ द फॉर्म इज ए बी सी एंड को, कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर? येस इट कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. ठीक है, नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट. अब तो मुझे ये बताओ इसमें से नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने हैं? इसमें से 8 आर नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड 9 आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. अब अपना पॉइंट पढ़ो. पॉइंट क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द प्रैक्टिसिंग पार्टनर्स मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. अब ये 9 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से, लिसन टू दिस, 9 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से 2 नॉन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. 2 कौन है? नॉन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और 7 प्रैक्टिसिंग सीएज हैं. ठीक है, तो अगेन अपना पॉइंट पढ़ेंगे बी पे. मेजॉरिटी ऑफ द प्रैक्टिसिंग पार्टनर्स मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. अब यहाँ पे 7 में से 4 आर प्रैक्टिसिंग आउटसाइड इंडिया एंड 3 आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. अब माय क्वेश्चन इज ए बी सी एंड को एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड और इट इज डिसक्वालिफाइड? आंसर इज इट इज डिसक्वालिफाइड, इट इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड. क्यों? देखो दोबारा से करते हैं. 17 पार्टनर्स थे, उसमें से 5 तो थे सी एस, तो ये हो गए नॉन सी एस. उसमें से 3 तो थे सी एम ए, ये हो गए नॉन सी ए. तो अपने बचे क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? 9 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से 2 नॉन प्रैक्टिसिंग हैं
और 7 प्रैक्टिसिंग है. आउट ऑफ 7 प्रैक्टिसिंग सीएस, 4 आर प्रैक्टिसिंग आउटसाइड इंडिया एंड वेयर एज द 3 आर प्रैक्टिसिंग ओनली इन इंडिया. देयरफॉर दिस फर्म एबीसी एंड को इज नॉट क्वालिफाइड. तो इसको अपन सेकंड सिचुएशन में करके देते हैं. अगर 9 सीएस में से 2 आर नॉन प्रैक्टिसिंग सीएस, 7 आर प्रैक्टिसिंग सीएस एंड आउट ऑफ 7 5 आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, और अपन एग्जैक्टली वाइस वर्सा करते थे, 4 आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया एंड 3 आर प्रैक्टिसिंग नाउ आउटसाइड इंडिया. नाउ इन दिस केस इज दिस फर्म एलिजिबल? यस. इज एबीसी एंड को कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर? एज ऑडिटर, आंसर इज यस. व्हाई? Due to this, because majority of practicing CAs, हमें majority of practicing CAs में majority of the practicing CAs must be practicing in India. तो वो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो yes, now in this case ABC and Co is eligible to be appointed as an auditor. तो अपना point number B क्या था? Point number B क्या था? Majority of practicing partners must be practicing in India only. ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आया. 17 पार्टनर्स में से 9 सीएस थे, 5 सीएस थे, 3 सीएमएस थे. तो ये 5 + 3 = 8 तो हो गए अपने नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो बचे कितने? 9. 9 में से 2 आर प्रैक्टिसिंग, 7 आर, 2 आर नॉन प्रैक्टिसिंग, 7 आर प्रैक्टिसिंग. 7 में से 4 आर आउटसाइड इंडिया, 3 आर इन इंडिया. तो नो, इट इज नॉट अलाउड. बट इफ द 4 आर इन इंडिया प्रैक्टिसिंग एंड 3 आर आउटसाइड इंडिया, येस इट इज अलाउड. तो आई होप आई मेड इट सिंप्लीफाइड फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉइंट नंबर बी. अब अपन समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट नंबर सी. सो आई सी क्या बोलता है? कैन वी एंटर पार्टनरशिप, कैन वी एंटर पार्टनरशिप विद नॉन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? क्या हम नॉन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ पार्टनरशिप ऐड कर सकते हैं? क्या हम उनके साथ एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म कर सकते हैं? आंसर इज यस. इवन नॉन प्रैक्टिसिंग सीएस कैन बी द पार्टनर्स. समझ में आया? तो देर इज नो प्रॉब्लम इफ इन योर फर्म नॉन प्रैक्टिसिंग सीएस आर देयर. बट आंसर विल रिमेन सेम ओनली. हु कैन एक्ट और साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म? Who can act or sign on the behalf of the firm? Only chartered accountants who are in what? Practice. Non-practicing CS आने से ना तो तुम्हारी सीलिंग लिमिट में कोई फर्क पड़ेगा, ना तो वो साइन कर पाएंगे, क्योंकि साइन सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस ही कर सकेंगे. किसके ऊपर? ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर. समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नॉन प्रैक्टिसिंग सीए आपका फर्म का ऑडिटर है और आपकी फर्म में पार्टनर है. बट हमें दिक्कत है अगर वो एक्ट ऑफ साइन करता है. एक्ट ऑफ साइन कौन करेगा? सिर्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही एक्ट ऑफ साइन कर सके. ओनली द प्रैक्टिसिंग सीए कैन एक्ट ऑन साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म. तो ये पॉइंट नंबर सी भी क्लैरिफाइड हो गया, पॉइंट नंबर डी भी क्लैरिफाइड, पॉइंट नंबर ए भी हो गया और बी भी हो गया. अभी पॉइंट नंबर डी. अगर हमारी एलएलपी बनती है, अगर हमारी एलएलपी है, तो ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी पार्टनर्स. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब कोई भी फर्म हमारी पार्टनर नहीं बन सकती. ओनली इंडिविजुअल्स मतलब इंसान, अ नॉर्मल नेचुरल पर्सन कैन बिकम द पार्टनर. नॉट एनी अदर एंटिटी कैन बिकम अवर पार्टनर. एलएलपी, ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी द पार्टनर. पॉइंट नंबर टू, मस्ट बी रजिस्टर्ड विद होम? मस्ट बी रजिस्टर्ड विद होम? ICAI. अपनी LLP ICA फॉर्म, कोई भी फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म हो, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो या LLP हो, दे ऑल आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद होम? ICAI. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मस्ट बी एन इंडियन LLP. मस्ट बी विच LLP? इंडियन LLP. अगर आप फॉरन LLP हो इन इंडिया, तो एग्जाम्पल इफ फॉरन LLP इज देयर, दे आर डिसक्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर. दे आर डिसक्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर इन इंडिया. तो तुम इंडिया में प्रैक्टिस तभी कर सकते हो अगर आप इंडियन LLP हो. अगर आप कौन सी LLP हो? इंडियन LLP हो. और पॉइंट नंबर फोर क्या है इसमें? पॉइंट नंबर फोर क्या है कि बोथ द वर्ड फॉर्म, I already told you the word firm includes what? LLP. Sir, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, but let me tell you one thing.
एलएलपी वर्ड कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? बॉडी कॉर्पोरेट. एलएलपी वर्ड कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? बॉडी कॉर्पोरेट. बट बॉडी कॉर्पोरेट्स और कंपनीज आर नॉट अलाउड टू बी फॉर्म्ड फॉर प्रैक्टिसिंग सीएस. मतलब प्रैक्टिसिंग सीएस आर नॉट अलाउड टू मेक एनी बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ प्रैक्टिसिंग सीएस. दे आर नॉट अलाउड टू मेक अ कंपनी ऑफ प्रैक्टिसिंग सीएस. तो इनडायरेक्टली व्हाट इज द मीनिंग? द मीनिंग इज एलएलपी इज अलाउड बट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. तो एलएलपी वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आता है बट हियर एलएलपी इज अलाउड. दैट्स व्हाई ओनली फॉर द पर्पस ऑफ 141 सबसेक्शन 2 एलएलपी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड सो फॉर द क्वालिफिकेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ एन पार्टनरशिप फर्म. तो अब हम अपनी दोबारा से इसे रिवाइज करेंगे. सो व्हाट इज द रिविजन पर्पस? नाउ सी, लेट अस रिवाइज इट फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 1 विच टॉक्स अबाउट व्हाट? क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर. तो कंपनी कैन अपॉइंट टू टाइप्स ऑफ पीपल, आइदर इंडिविजुअल ऑडिटर और एलएलपी ऑफ फॉर्म ऑफ ऑडिटर. इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर, दैट इंडिविजुअल ऑडिटर मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज ही मस्ट बी होल्डिंग अ वैलिड सीओपी. लेकिन अगर आप फॉर्म और एलएलपी बनाते हो, उनकी दो कंडीशंस क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म हु आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया मस्ट बी व्हाट? क्वालिफाइड. एंड द अपॉइंटमेंट शुड नॉट बी इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल, अपॉइंटमेंट शुड बी इन द नेम ऑफ द फर्म. ठीक है, तो इंडिविजुअल के नाम पे लेटर नहीं आएगा, फॉर्म के नाम पे लेटर आएगा. फिर हमने सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 2 के थोड़े से रूल्स किए. क्या रूल्स किए? कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म एज एन ऑडिटर, हु कैन ओनली एक्ट, द पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन ओनली आर ओनली ऑथराइज टू एक्ट और साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म. दैट मीन्स अगर अपनी 10 पार्टनर्स की फर्म है, उसमें 8 सीएस हैं, 1 सीएस है, 1 सीएमए है, येस इट इज क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर. तो मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म से अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज हु इज गोइंग टू एक्ट और साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म? ओनली हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन एक्ट और साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म. फिर मेजॉरिटी ऑफ द प्रैक्टिसिंग पार्टनर्स मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. सपोज अपने पास 17 पार्टनर्स है, उसमें से 9 सीएस है, 5 सीएस है, 3 सीएमए है. तो ओनली सीएस आर 9 में से 2 आर नॉन प्रैक्टिसिंग एंड 7 आर प्रैक्टिसिंग सीए. आउट ऑफ दोज 7, 4 आर प्रैक्टिसिंग आउटसाइड इंडिया, 3 आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. नो, इट इज डिसक्वालिफाइड. बट इफ 4 आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया एंड 3 आर प्रैक्टिसिंग आउटसाइड इंडिया, येस इट इज क्वालिफाइड. ठीक है सर. सो नेक्स्ट वी, कैन वी एंटर विद नॉन प्रैक्टिस, कैन वी एंटर अ पार्टनरशिप विद द नॉन प्रैक्टिसिंग सीए? येस, नॉट अलाउड. देर इज नो प्रॉब्लम इफ यू आर एंटरिंग अ पार्टनरशिप विद अ नॉन प्रैक्टिसिंग सीए. बट अगेन रिमेंबर, हु कैन ओनली एक्ट? ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज इन प्रैक्टिस. मतलब नॉन प्रैक्टिसिंग सीएस कैन नॉट साइन एंड कैन नॉट एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ व्हाट? फर्म. दे आर द पार्टनर्स, नो इश्यूज. बट दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ फर्म, देन देर इज अ इशू. ठीक है सर. देन एलएलपी के केस में only individuals can be the partners in the LLP, must be registered with ICA, rather every firm must be registered with ICA and must be a which LLP? Indian LLP. Okay, and the word firm includes LLP, but this part LLP is also included in the definition of body corporate, but only for the purpose of section 141 subsection 2 LLP word should be excluded from the definition of body corporate. Everyone clear? Okay, तो अपन किसके साथ मल्टी डिसिप्लिन, अब तुम्हें मैं एक और पॉइंट बताता हूं कि मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप, मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? हु विद होम वी कैन एंटर, विद होम वी कैन एंटर. ये जब हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स सीए फाइनल का टॉपिक करेंगे वहां पे भी अपन ये पढ़ेंगे. हु आर दोज नॉन सीएस विद होम प्रैक्टिसिंग पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी एडेड? तो हु आर दोज एट पीपल, हु आर दोज एट पीपल? तो पहला है सीएस, दूसरा है सीएमए, तीसरा है लॉयर, तीसरा कौन है? लॉयर. चौथा कौन है? इंजीनियर. इंजीनियर में तुम्हें बता दो बीई, बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी. और पांचवा बंदा कौन है?
Who is the fifth person with whom we can enter a multidisciplinary partnership firm is that fifth person is known as actuarial scientist. इनके अलावा यू आर नॉट अलाउड टू हैव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फॉर्म. ये सिर्फ 5 लोग हैं, और रादर यू कैन से 6 लोग हैं विद हुम यू कैन एंटर अ मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फॉर्म. या तो तुम CS के साथ एंटर हो सकते हो, या CMA के साथ एंटर हो सकते हो, तुम लॉयर के साथ भी एंटर हो सकते हो, तुम इंजीनियर के साथ भी एंटर हो सकते हो. इंजीनियर में 2 लोग BE BTech और एक्चुअरियल साइंटिस्ट, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और MBA आर नॉट अलाउड. तो दीज आर द टोटल 5 पीपल विद हुम यू कैन enter a multidisciplinary partnership. So ye it take it as a note. Who are those multidisciplinary persons with whom the partnership can be entered? These are the 5 multidisciplinary persons with whom the partnership can be entered. With that, our 2 subsections are over. Subsection 1 of section number 141 and subsection 2 of section number 141. Ab apna main section aaya. Kaun sa section aaya? Ab apna main section aaya. Section number अब अपना मेन सेक्शन आया, सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3. क्या है सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3? डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर. डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर क्या होते हैं? डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर, बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशंस हैं ऑडिटर के. तो पहला डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ही ईजी है. What is the first disqualification? Which is damn easy. तो अपना पहला disqualification क्या है? Point number 1. You are not allowed to make a company of chartered accountants. You are not allowed to make any body corporate of a chartered accountant. But as you all remember, LLP is allowed or not allowed? LLP is allowed. So it means here, body corporate. Excludes LLP. Here body corporate excludes what? LLP. LLP of chartered accountants firm is allowed, but you can't make a company of chartered accountants. You can't operate in the form of body corporate. So India mein kaun sa allowed hai? What are the allowed? What are the 3 forms of organizations which are allowed? Ya to tum sole proprietor khol lo, ya to partnership firm of chartered accountants khol lo, ya LLP. Ye tino hi allowed hai. कंपनी अलाउड नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट अलाउड नहीं है. ठीक है सर, डन, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, चलो सर, समझ में आ गया. पहली डिस्क्वालिफिकेशन. सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि यू शुड नॉट बी द पार्टनर और यू शुड नॉट बी द ऑफिसर. राइट और नो? यू और द पार्टनर ऑफ योर फर्म शुड नॉट बी ऑफिसर और शुड नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. इसका मतलब क्या है कि तुम या तुम्हारा पार्टनर ना तो उस कंपनी में, वेर एवर यू आर डूइंग द ऑडिट, सपोज यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ रिलायंस इंडिया लिमिटेड, तो यू और योर पार्टनर शुड नाइदर बी द ऑफिसर इन द रिलायंस और यू शुड नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द रिलायंस. तो मतलब तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज नॉट अलाउड विद द कंपनी वेर यू आर डूइंग द ऑडिट, और यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑफिसर रिलेशनशिप विद द कंपनी. सर इसका एग्जाम्पल बताओ. इसका एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, बहुत ईजी एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल सुनो. सी, पहले तो अपने को पता होना चाहिए, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉल्ड ऑफिसर. ठीक है, ऑफिसर की डेफिनेशन क्या है? ऑफिसर में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? डायरेक्टर्स. ऑफिसर मीन डायरेक्टर. ऑफिसर ऑल्सो मीन्स शेडो डायरेक्टर. ठीक है, एंड ऑफिसर ऑल्सो मीन्स KMPs. नन ऑफ दीज पोजिशन यू शुड बी होल्डिंग इन द कंपनी इन विच यू आर एन ऑडिटर. यू शुड नॉट बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यू शुड नॉट बी द शेडो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यू शुड नॉट बी द KMP. KMP में 6 लोग, MD सॉरी CEO, CFO, देन मैनेजर,
सीएस एंड होल टाइम डायरेक्टर. इन छह में से ऑल दी सिक्स पीपल आर नोन एज KMPs. इट मींस यू शुड नाइदर बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यू शुड नॉट बी द शेडो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यू आर नॉट अलाउड टू बी द MD, नो CEO, नो CFO, नो मैनेजर, नो CS, नो होल टाइम डायरेक्टर. इनमें से कोई भी पोजीशन अगर आप किसी कंपनी में होल्ड करते हो और यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी, देन यू शुड बी इमिडिएटली डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141 Subsection 3. तो पहली डिस्क्वालिफिकेशन क्या थी, यू आर नॉट अलाउड टू फॉर्म अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू बी ऑपरेटेड इन इंडिया. सेकंड थिंग, यू और योर पार्टनर ऑफ द फॉर्म शुड नॉट बी हैविंग एनी ऑफिसर रिलेशनशिप विद द कंपनी, शुड नॉट बी हैविंग एनी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप विद द कंपनी. तो ऑफिसर की डेफिनेशन वी नो, एंड ऑब्वियसली यू शुड नॉट बी द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी. एम्प्लॉय तो ना तो ऑफिसर अलाउड है ना एम्प्लॉय अलाउड है. एवरीवन क्लियर? तो दिस इज वॉट द मीनिंग ऑफ ऑफिसर एंड दिस इज वॉट द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय तो समझ में आया ना, एम्प्लॉय दैट यू शुड नॉट बी इन एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी. समझ में आया सर? सो दैट ब्रिंग्स एन एंड टू दिस पोजिशन और दिस सेकेंड डिस्क्वालिफिकेशन. बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली क्या हुआ, ESB बोर्ड, एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ ICA, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICA ने एक डिक्लेरेशन दिया. वट इज द डिक्लेरेशन कि सर सपोज दिस इज अ पर्सन, राइट? नो, दिस इज अ पर्सन. नाउ ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट. दिस पर्सन इज अ चार्टेड अकाउंटेंट एंड ही वॉज वर्किंग एज एन ऑफिसर, ही वॉज वर्किंग एज एन ऑफिसर. आर यू गेटिंग द पॉइंट? और यू कैन से दैट ही वॉज वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन दिस कंपनी. ही रिजाइंड, he resigned. Now for the next two years you cannot be appointed as, you cannot be appointed as what, as an auditor of such company, as auditor of such company where such person has resigned. What do you mean by that? Ki maan lo, I am Rohit Grover. I was working in one company called Reliance India Limited. ठीक है, अब Reliance India Limited में मैंने resignation दे दिया, ठीक है ना, और मैंने removal हो गया. तो either I resigned, या तो मैंने resignation दे दिया या मैंने removal हो गया, या मेरा removal हो गया of what? As a director. From a company, either I have given a resignation or as a director, or I get removed as a director from the Reliance India Limited. Ab I cannot be appointed, so I cannot be appointed as what, auditor. Which auditor sir? Statutory auditor ho ya tax auditor ho, koi bhi. I cannot be appointed as a statutory auditor or tax auditor of Reliance India Limited for the next what, 2 years. ठीक है, नाउ दिस इज अ क्लेरिफिकेशन कि इवन दो यू हैव बीन रिमूव्ड एज एन डायरेक्टर और यू हैव गिवन अ रेजिग्नेशन एज अ डायरेक्टर फ्रॉम अ कंपनी वेर यू आर वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफिसर, फॉर द नेक्स्ट 2 years यू आर नॉट अलाउड टू टेक अप द असाइनमेंट एज अ स्टेचुटरी ऑडिटर और टैक्स ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी. समझ में आया? तो ये होगी अपनी एग्जाम्पल कि आई रिजाइन माई सेल्फ और गॉट रिमूव्ड एज अ डायरेक्टर. ठीक है ना, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर. आई कैनॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ रिलायंस इंडिया लिमिटेड फॉर द नेक्स्ट व्हाट, 2 years. ये याद रखना, ये छोटी सी क्लेरिफिकेशन एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ ICA ने दिया था. तो विद दिस आवर पॉइंट नंबर 2 इज ऑल्सो ओवर. ठीक है, तो ऑफिसर की डेफिनेशन क्या है, डायरेक्टर, शेडो डायरेक्टर, KMPs. यू आर अलाउड टू होल्ड एनी ऑफ सच पोजीशन और नॉट अलाउड? नॉट अलाउड. यू आर नॉट अलाउड टू बी द एम्प्लॉई ऑफ दैट कंपनी ऑल्सो वेर यू आर एन ऑडिटर. एंड इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल ऑन यू, इट इज एप्लीकेबल ऑन यू एज वेल एज ऑन योर पार्टनर. तो ये आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है और आपके फर्म के पार्टनर के ऊपर भी एप्लीकेबल है. और अगर आपने रिसेंटली किसी कंपनी में रेजिग्नेशन या रिमूवल दिया है, इफ यू हैव बीन रिजाइंड और रिमूव फ्रॉम अ कंपनी, इन दैट कंपनी यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट देयर स्टैट्यूटरी ऑडिट और टैक्स ऑडिट फॉर द नेक्स्ट व्हाट, 2 years. सो दिस इज द क्लेरिफिकेशन गिवन बाय द ESB बोर्ड
ऑफ व्हाट, ICAI. तो ये हो गए अपने दो डिस्क्वालिफिकेशन. फर्स्ट वन क्या था, यू आर नॉट अलाउड टू बी द कंपनी और बॉडी क्रप्ट. सेकेंड थिंग, यू और योर पार्टनर नॉट अलाउड टू बी द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. थर्ड वन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है. सर कैसे लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, अब इसको ध्यान से सुनना. थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, मैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डिस्क्वालिफिकेशन को मर्ज कर रहा हूं. नाउ सुनो, यू, फर्स्ट पॉइंट इज यू, यू मीन्स तुम एज एन ऑडिटर, यू और योर पार्टनर, यू और योर पार्टनर और योर रिलेटिव, तीन लोग इंक्लूडेड है यहां पे. ना तो तुम, ना योर पार्टनर, ना तो तुम्हारा रिलेटिव. नाइदर यू नॉर योर पार्टनर नॉर योर रिलेटिव, नॉर योर रिलेटिव कैन होल्ड, नाइदर यू नॉर योर पार्टनर नॉर योर रिलेटिव, नॉर योर रिलेटिव कैन होल्ड, कैन होल्ड व्हाट, एनी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी इन, ना तो तुम, ना तुम्हारा पार्टनर, ना तुम्हारा रिलेटिव कैन होल्ड एनी सिक्योरिटी. कहां पे एनी सिक्योरिटी, इन द कंपनी और इट्स सब्सिडरी. ना तो तुम डायरेक्टली कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हो. सर व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, इन विच यू और योर पार्टनर इज एन ऑडिटर और योर फर्म इज एन ऑडिटर. ना तुम उसकी सब्सिडरी में कोई सिक्योरिटी होल्ड करोगे और इट्स होल्डिंग, ना तो तुम इसकी होल्डिंग में भी सिक्योरिटी कंडक्ट करोगे और इट्स एसोसिएट, और इट्स व्हाट, एसोसिएट और सब्सिडरी, अनदर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, अनदर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. मतलब नाइदर यू नॉर योर पार्टनर नॉर योर रिलेटिव कैन होल्ड एनी सिक्योरिटी इन द मेन कंपनी, इन इट्स सब्सिडरी, इन इट्स होल्डिंग, इन इट्स एसोसिएट और अनदर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. कौन कौन अलाउड नहीं है, तुम अलाउड नहीं हो, तुम्हारा पार्टनर अलाउड नहीं है, तुम्हारा रिलेटिव भी अलाउड नहीं है. क्या, फॉर होल्डिंग एनी सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मतलब क्या, शेयर या डिबेंचर्स, ठीक है, या पब्लिक डिपॉजिट्स, या कमर्शियल पेपर, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज नॉट अलाउड. ना तो तुम्हें अलाउड है, ना तुम्हारे पार्टनर को अलाउड है, ना तुम्हारे रिलेटिव को अलाउड है, मेन कंपनी में, सब्सिडरी में, होल्डिंग में, एसोसिएट में और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी में. इन केस यू आर फाउंड टू होल्ड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी देन यू विल बी इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड. अब इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लगेगी सर, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या लगेगी, अब ध्यान से सुनना सारे एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस. पॉइंट नंबर वन, अगर आप और आपका पार्टनर, इफ यू और योर पार्टनर होल्डिंग एनी सिक्योरिटी देन इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन. अगर आप या आपके पार्टनर ने कोई भी सिक्योरिटी होल्ड करी इन द कंपनी, इन इट्स सब्सिडरी, इन इट्स होल्डिंग, इट्स एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, तो इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, फॉर एनी वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी. मतलब अगर आपने 1 रुपी का इक्विटी शेयर कैपिटल या 1 रुपी का डिबेंचर या 50 पैसे का डिबेंचर भी खरीदा हुआ है, एनी 1 रुपी ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी यू और योर पार्टनर इज होल्डिंग, यू आर इमीडिएटली डिसक्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी. बट एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बोलती है, रिलेटिव्स में होल्ड, हु में होल्ड, रिलेटिव्स में होल्ड. रिलेटिव को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, रिलेटिव्स में होल्ड अप टू व्हाट, अप टू ₹1 lakh ऑफ फेस वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू, 1 lakh ऑफ विच वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज. अगर आपके रिलेटिव्स अप टू 1 lakh फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज आर दे होल्डिंग इन एनी ऑफ द अबव केसेस, देन इन दैट केस योर फर्म, यू और योर पार्टनर आर नॉट
डिसक्वालिफाइड। इसका मतलब तुम्हारे केस में, तुम्हारे पार्टनर के केस में एनी सिक्योरिटी ऑफ एनी वैल्यू इफ यू आर होल्डिंग यू आर इमिडिएटली वॉट डिसक्वालिफाइड। बट रिलेटिव्स मे होल्ड अप टू रुपीज वॉट मैक्सिमम 1 lakh ऑफ विच वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। आर यू गेटिंग द पॉइंट नाउ? अप टू मैक्सिमम 1 lakh ऑफ फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। इट मीन्स इनडायरेक्टली वॉट दे आर सेइंग, इफ रिलेटिव्स होल्ड मोर देन रुपीज 1 lakh ऑफ फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इफ रिलेटिव्स होल्ड रुपीज मोर देन 1 lakh ऑफ फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, देन योर फर्म, यू और योर पार्टनर विल बी डिसक्वालिफाइड। देन इन दैट केस इट विल बी वॉट डिसक्वालिफाइड इफ दे आर होल्डिंग मोर देन वॉट 1 lakh ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, बिकॉज लिमिट इज हाउ मच, अप टू मैक्सिमम 1 lakh। मतलब सर 1 lakh इज इंक्लूडेड? यस 1 lakh इज इंक्लूडेड। जैसे 1 lakh 1 rupee हुआ तो तुम, तुम्हारी फर्म और तुम्हारा पार्टनर सब लोग डिसक्वालिफाइड हो गए। बट यहाँ पे डिसक्वालिफाइड में भी डिफरेंट पॉइंट है सर। व्हाट इज द डिफरेंट पॉइंट हियर? डिसक्वालिफिकेशन विल अट्रैक्ट हियर, डिसक्वालिफिकेशन इन केस ऑफ रिलेटिव, अभी तक पॉइंट नंबर 2 खत्म नहीं हुआ। हियर डिसक्वालिफिकेशन विल अट्रैक्ट आफ्टर 60 days, नॉट इमीडिएटली। तुम लोग डिसक्वालिफाइड हो गए बट नॉट इमीडिएटली, आफ्टर वॉट 60 days। तो तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के केस में इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन। रिलेटिव्स होल्डिंग मोर देन 1 lakh ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, यू आर अगेन डिस्क्वालिफाइड बट नॉट इमीडिएटली। डिस्क्वालिफिकेशन विल अट्रैक्ट आफ्टर वॉट 60 days। इसका मतलब सर वाई 60 days टाइम पीरियड? ड्यूरिंग सच टाइम पीरियड करेक्टिव एक्शंस must be taken to bring down relatives investment up to rupees 1 lakh। अगर उन्होंने 1 lakh से ऊपर की investment कर दी of face value, तो you are disqualified, your firm is disqualified, but during those 60 days which are being provided to you, you need to take the corrective measures to ensure that कि the relatives investment again may come up to rupees 1 lakh। अगर वो 1 lakh तक आ गई तो no disqualification, if it is still more than 1 lakh of face value then you will be disqualified। So in the case of relatives the disqualification will attract after 60 days, but in case of you or your partner's case it will be immediate। In case of relatives what is the amount of securities they can hold? Up to rupees 1 lakh of face value of the securities, but in case of you or your partner it is maximum what? Zero। It means even if a single rupee value or security is being held then also you will be disqualified। So apan chota sa chart banate hain, you or your partner ke case mein aur relative ke case mein, chota sa chart, security amount, how much you can hold, can be held, security amount can be held, your relative ke case mein no, not allowed sir, even small amount is not allowed। So what is the relative's case mein, what is the limit in case of up to rupees 1 lakh of which value? Face value of securities, up to rupees 1 lakh of face value of the securities। ये हो गया अपना point number 1। Sir point number 2, disqualification immediately will be attracted, but in case of relative will attract when? After 60 days। So during these 60 days what you will do? During these 60 days you have to take this corrective actions। I hope everyone is clear about you and your partner's case and about your relative's case। ये अपने होंगे 2 points कि security कितना hold कर सकते हो। हमारे केस में कुछ भी नहीं कर सकते, relative के केस में up to 1 lakh of face value of the security, और हमारे केस में disqualification कब होगी? Immediately हो जाएगी, relative के केस में after 60 days। I hope point number 3 of disqualification also you understood। तो भाई point number 3 पढ़ते हैं। तुम्हारा partner, your relative cannot hold
cannot hold, sorry, I will write here, cannot hold any security in shares, debentures, or public deposit, commercial or preferential capital in the company, in its subsidiary, in its holding, in its associate or subsidiary of such company. Everyone clear? Sir, everyone is clear. Ab suno. Next point. What is the next point? Our next disqualification number 4.